जा रहे हैं महिला विंग के वार्ड नंबर 4 तो वूमेन सेल के प्रेजिडेंट मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी तुहाडे वार्ड के सबसे पहले तो तुम आज तक आमने सामने बहुत बहुत मुबारक है कि तुम वार्ड नंबर आमने सामने संस्था वालों तुम वार्ड नंबर एक प्रेजिडेंट चुन के जो महिला विंग की शक्ति को होर मजबूत किया तुम बहुत ज्यादा मुबारक है। तुहाडे वार्ड के किड़े काम ने जिहड़े रह गए हैं कि काम लगता तुम कि होने वाले ना ते तुसीं अपने वार्ड कार्टन के माइक बारे की कहना चाहते हो कौंसल वाकई ही काम कराते ना लोगों के कि नहीं कराते। सर पहला तो यह कि साढ़े वार्ड से ना लाइटा की कमी सी, नेरा बहुत ज़्यादा सी, बजुर्गों आन जान प्रॉब्लम सी, बच्चों खेडन की प्रॉब्लम सी। तो असी माइक जी ने फोन किया एक दो बारी, फिर उन्होंने साड़ी गल सुनी है, फिर लाइटा का उन्होंने अरेंज कर दिता। हूँ साड़ी गली च पूरी लाइटा है, तो बच्चे भी आसानी नाल आ जा सकते, कोई चोरी होने का भी डर नहीं है। पहला चोर भी घूमते सके तो उन्होंने ध्यान दिता है पर काफी देर बाद। अच्छा चलो मैडम, होर केड़ी समस्या जी माइक ने तुहाडे एरिया दी समस्या हल की है तुहानू कुछ याद होए? समस्या ये सी कि सफाई कर्मचारी इत्थे कोई नहीं आंदा सी, ठीक है, काफी चिरा तो महीनिया तो ही ला लो। असी जदों लाइटां लाण आए असी उन्होंने सफाई का भी किया, ठीक है, ते उन्होंने अगले दिन ही सफाई कर्मचारी भेज दिता। मतलब कि अगर कोई भी महला निवासी माइक काउंसलर को किसी ना किसी समस्या वास्ते लेके जांदा, कोई मुराद ते पुकार लेके जांदे ते उह सुणदे ना तुहाडी? हां जी हां जी जरूर सुणदे आ जी। बिल्कुल दोस्तों, इसी मीनाक्षी जिन्होंने कि बहुत वधिया तरीके नाल माइकल जी बारे भी दस्सिया कि वाकई ही वह जलंधर दे विच वार्ड नंबर 4 दे जो काउंसलर हुंदे ना अपनी जिम्मेवारी निभा रहे ना, बेशक देर नाल निभांदे आ मगर निभांदे जो ना हर एक इंसान दी भी सुणदे ना। असीं मीनाक्षी जी वल्लों सारिआं दा धन्नवाद करदे आ क्योंकि मीनाक्षी जी महिला विंग आमने सामने क्लब दे महिला विंग दे वार्ड नंबर 4 दे प्रेजिडेंट होण दे नाते अपने होर भी काम दोस्तों कराणगे तुहाडे। अगर तुहाडी महिला विंग दे विच तुहानू किसे नू किसे प्रकार की समस्या आती है तो तुसीं मीनाक्षी शर्मा वार्ड नंबर 4 दे नाल संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हो। कैमरामैन दे नाल एस के सक्सेना आज तक आमने सामने आज तक आमने सामने दोस्तों से गल करें, एमसी दी कौंसल दी गल करें, वार्ड नंबर 4 दी गल करेंगे कि सब ने अपना कार्ड वार्ड नंबर माइकल खोसा जी ने इदा का की काम कराया कि जो महला निवासी ने जम के तारीफ की। सर की कहना चाहते हो वार्ड नंबर 4 के तुम कौंसल बारे? महला नंबर 4 जरा अभी महला निवासी जिथे कि साड़ी गली दे विच काफ़ी देर तो लाइट की प्रॉब्लम सी, बहुत नेरा सी, और असी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साढ़े गली दे विच काफ़ी नेरा रहिंदा, कई जगह ते लाइट होंदी सी कई जगह ते नहीं होंदी। उन्होंने सहयोग के नाल माइक खोसले ने अज गली दे विच जगमग होई हुई है। असी माइक खोसले का महला निवासी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तो असी अगों भी उम्मीद करते हाँ कि साढ़े कोई भी कोई प्रॉब्लम महल की आए तो वो पूरा कर। धन्यवाद जी। बिल्कुल जी धन्यवाद तुम्हें किया क्योंकि अगर धन्यवाद उदा ही किया जाता जो बहुत वधिया काम कर। अच्छा अच्छा जी कहना चाहते हो कि माइक जी ने जो लाइटा लवाइया गली के पहला काफ़ी जो असं जानते थे अंधेरा ही देखने मिलता से हूँ काफ़ी रोशनी है, दूर दूर तक इंसान नज़र आता, कि धन्यवाद की कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। आज तक आपने सामने देखने वाले सारे दर्शकों ने कुछ दिखा दिए कि इंसान तारीफ वही होंगी है जिन्हें बहुत वधिया काम करते हैं। इस चीज़ में वार्ड नंबर 4 की गल करिए, 4 के बिच जो माइकल खोस है माइक खोस है जिन्हें जो काम कराए हैं इस करके महला निवासी वाले उन्होंने तारीफ कर रहे हैं। आओ दिखाने कि होर वो की काम कर रहे हैं तो कि अगे कर रही है। कैमरामैन के नाल एस के सक्सेना आज तक आमने सामने वार्ड नंबर 4 जलंधर। हाँ जी भाई की कहना चाहते हो वार्ड नंबर 4 के भी जो अज देखने को मिल रहा कि काफ़ी लोगों ने बड़ी तारीफ की है वार्ड नंबर 4 के माइक काउंसलर के उस बारे तुम्हें की कहना चाहते हो? भाजी असं यही कहना चाहते हैं कि सानू बहुत वधिया काउंसलर साहब मिले साडे एरिए, उन्होंने बहुत वधिया वधिया काम साडे महल्ले ते कराए जी। एक तो साडे जिहड़ा देखो बड़े सालों तो समस्या सी कि जिहड़ी मेन सड़क ते जिहड़ा पानी जमा हुंदा सी उह उन्होंने हल करा दित्ता जी। साडा एड्डा वड्डा मसला मतलब कह लो कि कई दशकों तो लोग परेशान सीगे साडे एरिए, वो उन्होंने बड़ा वधिया मतलब सल्यूशन कराता। सब तो वड्डी गल तो यह
ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਜੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਰਹੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਆਸ ਦੇ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ।